तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता होंगे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक नंबर 1.6, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। तो इस मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के अंदर टॉपिक सब टॉपिक जो है वो 1.6.3, जिसमें आज हम जानेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को देखा है, और 1.6.2 हमने देखा है मोल्स को, कि मोल क्या होता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं। तो आज हम देखेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर को जो हम शॉर्ट में जो इससे शो करते हैं, वो इससे शो करते हैं, एन लिखते हैं और ए लिखते हैं, एन लिखते हैं और ए लिखते हैं। एन मीन्स नंबर और ए मीन्स एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो ने कुछ ना कुछ कारनामा तो अंजाम दिया होगा, तो उसी के एजाज़ में हम एवोगैड्रो नंबर का एक साइन मुतारिफ़ करवाया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एवोगैड्रो ने क्या किया था। भाई एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट, तो इटली का ये साइंटिस्ट था, क्या किया था? अब आइए मेन बात को देखते हैं। तो कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक एटम इतना छोटा होता है कि उसे आप देख नहीं सकते, वो स्टेबल यानी माहौल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कुछ कुछ एटम माहौल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसने किया क्या कैलकुलेट, इसने किया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद को कैलकुलेट किया, और मॉलिक्यूल्स की तादाद को कैलकुलेट किया, और फार्मूला यूनिट की तादाद को कैलकुलेट किया। एक एटम क्या होता है भाई, एक सिंगल लेयर कार्बन एटम है। मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, जब कार्बन के साथ अगर कोई दो एटम आपस में कंबाइंड हो जाए केमिकली, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और फार्मूला यूनिट क्या होता है, जब दो आयंस आपस में कंबाइंड हो जाए तो क्या बन जाता है हमारा, फार्मूला यूनिट। यह है एटम, यह है मॉलिक्यूल और यह है फार्मूला यूनिट। जब दो आयंस आपस में कंबाइंड हो जाए तो फार्मूला यूनिट बन जाता है। और आयंस क्या होता है, जब किसी एटम में से क्या हो जाए भाई, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। सोचिए ये एक एटम है सोडियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके बाद प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या है, आयंस है। ठीक है, ये क्लोरीन एटम है, इसमें से क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गेन हो जाता तो इसके पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या है आपके पास, आयंस है। समझ में आ रही बात? तो इसने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट एंड आयंस प्रेजेंट इन वन मोल, कि वन मोल में कितना एटम, वन मोल में कितना मॉलिक्यूल, वन मोल में कितना फार्मूला यूनिट, वन मोल में कितने आयन मौजूद होते हैं। यानी एक मोल में एटम्स की तादाद, एक मोल में मॉलिक्यूल की तादाद, एक मोल में फार्मूला यूनिट की तादाद, एक मोल में आयंस की तादाद को किसने कैलकुलेट करने का तरीका बताया, एवोगैड्रो ने बताया। इसने कैलकुलेट करके बताया कि एक मोल में इतने एटम होते हैं, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में इतने फार्मूला यूनिट होते हैं। तो आपको मोल के बारे में अगर पता नहीं है तो आप जाएं टॉपिक नंबर 1.6.2 को देखें, तो आपको मोल के बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे मिटाते हैं, अभी आपको बात को समझाते हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी आपसे पूछूं, कार्बन का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास ऑफ कार्बन जो होता है वो आपके पास होता है, आपको पता होगा मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होगा, 12 ग्राम। मोलर मास से जो है ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं और मोलर मास भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, अब आइए मैं कार्बन डाइऑक्साइड का आपसे मास पूछता हूँ, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, या मोलर मास मैंने लिखा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास होता है 44 ग्राम। क्या होता है, 44 ग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है मेरे पास है NaCl, तो NaCl का बताइए मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है। मोलर मास मीन वन मोल का मास, मोलर मास मीन्स वन मोल का मास। ठीक है ना, एक मोल NaCl का मास क्या होता है भाई, 58.5 ग्राम होता है। ये क्यों होता है, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो, पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ये क्यों होता है अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि तमाम वीडियोस को तसलसल से आपको आना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो मोलर मास क्या होता है, किसी एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। तो वन मोल ऑफ कार्बन में कितने ग्राम होते हैं भाई, 12 ग्राम होते हैं। तो वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम होता है, 44 ग्राम होता है। तो मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है, 58.5 ग्राम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ मोलर मास को, तो मोलर मास की जगह मैं लिख देता हूँ वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वन मोल ऑफ NaCl। आयंस का भी ले लेता हूँ Na प्लस, तो Na का मास क्या होता है भाई, 23 ग्राम होता है। तो वन मोल ऑफ सोडियम आयन क्या होगा, अगला लिखता हूँ वन मोल ऑफ क्लोराइड आयन क्या होगा, वो होगा आपके पास 35.5 ग्राम। तो वन मोल का इतना मास होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब एवोगैड्रो बताएंगे भाई कि वन मोल के मास में कितना एटम होता है। तो वन मोल के मास में जो एटम की तादाद होती है, यानी 12 ग्राम कार्बन में 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स होंगे।
6.02 एक्सपोनेंट 10 या 23 एटम्स होंगे। अगर आपको इस नंबर के बारे में आइडिया है तो इस नंबर को देखिए, मैं इस नंबर को एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस नंबर को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो नंबर इतना होता है, देखिएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी 12 ग्राम कार्बन में एटम की तादाद इतनी होगी, 12 ग्राम कार्बन में एटम की तादाद इतनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसे क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पॉइंट इसका मौजूद है, इस पॉइंट को मूव करवाइए लेफ्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे क्या है, 23 आया। तो 6.02 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आइटम्स। तो एक मोल किसी भी आइटम में, एक मोल के किसी भी आइटम के मास में, एक मोल किसी भी आइटम के मास में इतने आइटम होंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो बताइए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो बताइए 1 मोल NaCl में कितने फार्मूला यूनिट होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। बताइए 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में कितने आइंस होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 आइंस। बताइए 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन में कितने आइंस होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 आइंस। तो कोई भी आपके पास सब्सटेंस अगर वो 1 मोल है, अगर वो आपके पास कितना मोल है, 1 मोल है, तो उसमें जो एटम्स की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद, फार्मूला यूनिट की तादाद, आयंस की तादाद, वो सेम होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो अब इसके बाद मैं सिर्फ आपको एटम्स का लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद सिर्फ मॉलिक्यूल्स का लिखवाऊंगा, ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी का मामला हो जाए। तो मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। तो तकरीबन मैं आपको 2-3 एटम के लिखवा दूंगा या 3-4 भी लिखवा दूं। तो आइए 1 मोल ऑफ हम देखते हैं, 1 मोल ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं, हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 16 ग्राम होता है, कितना होता है, 16 ग्राम। तो ये 16 1 मोल में भी एटम्स की तादाद क्या होगी, सेम 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। अब हम उठा लेते हैं 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ क्या उठा ले भाई, हाइड्रोजन उठा लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम, 1 ग्राम, कितने एटम्स होंगे भाई, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 6.02 × 10³³ एटम्स। चलिए अब दूसरा उठा लेते हैं, 1 मोल ऑफ क्या उठा ले भाई, सोडियम उठा लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम होता है 23 ग्राम, बताइए कितने एटम्स होंगे, 6.02 × 10³ एटम्स। अगला उठा लेते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का 1 मोल का मास होता है भाई 24 ग्राम, कितना होता है 24 ग्राम, बताइए एटम्स की तादाद, 6.02 × 10³ एटम्स, ओके क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एटम्स के 1 मोल के बारे में पता चली होगा, एक एटम के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर 2 मोल हो जाए, कार्बन कितना हो जाए 24 ग्राम हो जाए, कार्बन कितना हो जाए 24 ग्राम हो जाए, तो इसको मैं यहाँ करता हूँ, कार्बन अगर सोचिए 24 ग्राम हो गया तो बताइए कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया, कितना मोल हो गया, डबल हो गया ना, तो 2 मोल हो गया, तो यहाँ पे ये भी डबल हो जाएगा। तो 6.02 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 12.04 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स। समझ में आ रही बात, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन डब हो गया 32 ग्राम ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम, तो ये कितना मोल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये भी 12.04 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स। समझ में आ रही बात आपको, इस तरीके से ये होगा, ओके। अच्छा ये आपके पास 1 ग्राम है, 1 ग्राम की जगह ये हो गया 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हो गया, तो ये इसके कितने एटम्स हो जाएंगे, इसके भी एटम डबल हो जाएंगे, 12.04 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स। ये 23 ग्राम सोडियम है, 23 से ज़्यादा हो जाएगा डबल हो जाएगा 46, तो इसके भी उतने ही एटम्स हो जाएंगे, 24 से 48 हो जाएगा, एटम की तादाद में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एटम्स के बारे में समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आइए देखिए मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हों। तो अभी हमने इससे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है भाई, 44 ग्राम। तो बताइए 44 ग्राम 1 मोल होता है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ओके। अच्छा बताइए 1 मोल ऑफ H2O में कितने ग्राम होता है भाई, 18 ग्राम होता है, कितना होता है 18 ग्राम, बताइए ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। बताइए 1 मोल ऑफ CH4 में कितना वजन होता है, 16 ग्राम, कितना होता है भाई 16 ग्राम, बताइए मॉलिक्यूल्स की तादाद, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
अच्छा आप बताइए, वन मोल ऑफ क्या बता दीजिए, वन मोल ऑफ सी सिक्स एच टू एल ओ सिक्स ग्लूकोज का फॉर्मूला है, 180 ग्राम होता है, कितना होता है भाई 180 ग्राम, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगला हमारे पास, खैर इतना बहुत है, उम्मीद करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मॉलिक्यूल डबल हो जाता है या और इजाफा हो जाता है, अगर 44 से डबल हो जाता है 88 ग्राम तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, ये 18-36 ग्राम हो जाता है मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, ये 16 से डबल हो जाए 32 मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, जितने टाइम्स बढ़ेगी मॉलिक्यूल भी उतने टाइम्स बढ़ेगा। ग्लूकोज 180 ग्राम में 360 ग्राम हो जाए तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी डबल हो जाएगी, 12.04 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? मेरा नहीं ख्याल आपको अब उसके बारे में बताना चाहिए, आइंस के बारे में, चलिए बता देते हैं। खैर ठीक है, अब आइंस को भी देख लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी होगी ताकि कंसेप्ट भी तो आपको सारा समझाना है ना बेटा, ताकि बातें आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। तो बताइए, ये है फॉर्मूला यूनिट, वन मोल ऑफ NaCl कितना ग्राम होता है भाई 58.5 ग्राम, कितना मोल है भाई वन मोल है, तो कितना फॉर्मूला यूनिट होगा 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, कितने बार लिखूँ मैं, अगली बार से ये भी नहीं लिखूँगा मैं, सिर्फ एक डैश डाल दूँगा, ठीक है। तो वन मोल ऑफ CaCO3 इसका वजन होता है 100 ग्राम, कितना होता है 100 ग्राम, वन मोल है, कितना फॉर्मूला यूनिट होगा 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट। क्लियर? ओके, अगला एक और, वन मोल ऑफ MgO, वन मोल ऑफ MgO इसका वजन आपके पास होगा 40 ग्राम, तो वन मोल ऑफ MgO में भी कितना फॉर्मूला यूनिट होगा 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट। क्लियर है? तो फॉर्मूला यूनिट की तीन मिसाल बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है आइंस, क्या है आइंस, तो वन मोल ऑफ सोडियम आइन कितने ग्राम 23 ग्राम, बताइए कितने आइंस होंगे वन मोल यानी 23 ग्राम सोडियम आइंस में, वही होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 आइंस। क्लियर? तो वन मोल ऑफ Cl आइन 35.5 ग्राम होता है, बताइए कितने आइन होंगे इसमें भी 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 आइंस। ओके क्लियर है? अच्छा अब यहाँ गौर कीजिएगा, वन मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम है तो इसमें फॉर्मूला यूनिट की ज़्यादा 6.02, ठीक है ना 6.02। अगर आपसे कभी पूछे कि वन मोल ऑफ NaCl में, क्या पूछे वन मोल ऑफ NaCl में आइंस की तादाद क्या है, आइंस की तादाद कितनी है, आइंस की तादाद कितनी है, तो आप देखिएगा सोडियम के कितने आयन है, सोडियम के आयन है भाई 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 प्लस क्लोरीन के कितने 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 आइंस, दोनों को प्लस करिए 6.02 प्लस होगा आपके पास 12.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आइंस होंगे वन मोल ऑफ NaCl में आइंस होंगे। यहाँ फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ आइंस लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन पेपर में आपसे इतने मुश्किल सवाल पूछे नहीं जाएंगे, इम्कान तो यही है, लेकिन आपको आना चाहिए, इधर आइंस है और इधर फॉर्मूला यूनिट है। क्लियर है? ओके ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपसे एक और सवाल ही पूछा जा सकता है, ये बुक में लिखा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्या, अच्छा देखिएगा, वन मोल ऑफ वाटर में वन मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, कोई आपसे पूछ ले बताइए वन मोल ऑफ H2O में कितने एटम्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, तो देखिए जब वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसके साथ एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है दो, और वन मोल है तो वन मोल में हाइड्रोजन का 6.02 ऑक्सीजन का 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 इसका भी, तो ये थ्री टाइम्स हो गया, ये मेरे ख्याल से आएगा 18.06 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 एटम्स आएगा, समझ में आई, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो वो 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 होगा, हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि इससे पहले तो इतनी मुश्किल चीज़ें हम देख रहे नहीं होते, बल्कि स्कूलों में रट्टा लगाकर ज़्यादातर अमूमन इसी तरीके से चलाया जाता है, लेकिन फिर भी तो आप कोशिश कीजिए इसको समझिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, अभी थोड़े अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे आपकी किताब से मैंने निकाले हैं, वीडियो लंबी हो सकती है, खैर इसे मिटाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की जानेब, तो आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर आपको दिया गया है 1.7 और पेज नंबर दिया गया है 25, तो आप सवाल देख सकते हैं पेज नंबर 25 में आपसे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी क्या कैलकुलेट करें, एटम्स को कैलकुलेट करें, इससे पिछले वाली वीडियो से हमने मोल कैलकुलेट करना सीखा है और मास कैलकुलेट करना सीखा है,
तो आज एटम्स को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 9.2 ग्राम कैल्शियम में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको क्या कैल्शियम का मोलर मास पता है कि कैल्शियम का एक मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम जो होता है वो होता है 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। और 40 ग्राम में जो एटम्स की तादाद होती है वो होती है 6.02 × 10³ एटम्स। ठीक है ना, ये तो हमें पता है, लेकिन अभी यहाँ क्या दिया गया है, कितने ग्राम कैल्शियम दिया गया है? 9.2 ग्राम कैल्शियम आपको दिया गया है। तो एटम्स की तादाद भी क्या हो जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। क्या बनाते हैं भाई? सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो सवाल को देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। कितने में मालूम करना है भाई? 9.2 ग्राम। तो ये क्या दिया गया है आपको? मास दिया गया है। किसका मास दिया गया है? कैल्शियम का मास आपको दिया गया है। किसका मास दिया गया है भाई? कैल्शियम का मास आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो आइए डेटा बनाते हैं। देखिए, जब भी एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट आयन का न्यूमेरिकल आ जाए तो अवोगैड्रो भाई उठ के आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? अवोगैड्रो उठकर आ जाएंगे, यानी अवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अवोगैड्रो नंबर। तो आइए लिखते हैं। तो गिवन मास, ठीक है ना, मास हमें दिया गया है, मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम हमें दिया गया है 9.2 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्या होता है? वैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम भी लिख सकते हैं आप, मोलर मास भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप वो लिखें, अगर आपको आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है ना, मोलर मास भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ मोलर मास लिख देता हूँ। तो डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ था, कोई मसला नहीं। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम जो आपके पास होता है वो 40 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40। मैंने बोला जब एटम मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट आयंस का न्यूमेरिकल आएगा तो अवोगैड्रो उठ के आ जाएंगे। तो आप लिखिएगा अवोगैड्रो डेटा में, अवोगैड्रोस नंबर जिसको शॉर्ट में शो करते हैं एन, ऐसे लिखिए 6.02 × 10³। क्लियर? मालूम क्या करना है आपको? नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। तो आखिरी में आप लिखिए नंबर ऑफ एटम्स वी हैव टू फाइंड। ओके, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए। तो क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ताकि मैं ये आपको इसलिए बताऊँ ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला भी बड़ा ईजी है। क्या है भाई? ईजी है। इसी फॉर्मूला में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिएगा। तो आपको जब एटम्स मालूम करने हैं तो मोल्स मिटा दीजिए। मोल्स मिटा के क्या लिख दीजिए? एटम। क्या लिख दीजिए? एटम। और इसके बाद इसको एन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे साइड को। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? एन ए से। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? मोलर मास है, ये है गिवन मास, ये है अवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये फॉर्मूला याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो यहाँ मॉलिक्यूल लिख देंगे, अगर फॉर्मूला यूनिट बोलेगा तो यहाँ फॉर्मूला यूनिट लिख देंगे, अगर आइंस बोलेगा तो यहाँ आइंस लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम मालूम करें। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय अवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाय अवोगैड्रो नंबर। तो आइए मालूम करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं नंबर ऑफ एटम्स नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। तो मास हमें दिया गया है, मास ऑफ कैल्शियम है 9.2 ग्राम। ठीक है, और हमें जो दिया गया है मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10³। तो ये क्या होगा भाई? इसमें आप खुद कैलकुलेशन करिए और इसका आंसर ले आइए, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल आसपास में नहीं है, लेकिन मैंने बुक से आंसर इसका लिख के रखा हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जो आपके पास आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें अवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.384 × 10³ एटम्स। और मैंने इसको भी चेक भी नहीं किया, पता नहीं बुक में आंसर ठीक है कि नहीं है, लेकिन यकीनन यही होगा। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप? नंबर ऑफ एटम्स इनको डिवाइड कीजिएगा, एक नंबर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.384 × 10³ एटम्स। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए या नहीं किया जाए, कर दिया जाए, नहीं करते हैं, खैर इसको एक्सपेंड नहीं करते, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है। यानी इस पॉइंट के बाद
कि ज़ीरो की तादाद जो है वो 20 है, यानी इस नंबर के बाद ज़ीरो की तादाद क्या है, 20 है। तो एटम्स अभी बहुत सारे हैं 9.2 ग्राम में भी, क्लियर है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ एटम्स के सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो आए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा सवाल है एग्जाम्पल नंबर 1.8 और पेज नंबर 26 में ये सवाल मौजूद है। आपको दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी 8 ग्राम आपको ग्लूकोज दिया गया है और उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स बताना है और मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 1 मोल ऑफ C6H12O6 कितना होता है भाई, 180 ग्राम, कितना होता है 180 ग्राम। और ये 180 ग्राम में जो मॉलिक्यूल की तादाद होती है वो होती है 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है। लेकिन अब आपको दिया गया है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम में मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो इस नंबर से थोड़ा कम आएगा, इस नंबर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की तादाद कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि ग्लूकोज के जो ग्राम की तादाद है वो भी कम है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल की तादाद भी क्या है, कम आएगी। तो आइए सवाल को हल करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने के आपको लिखना पड़ेगा भाई मास, आपको जो दिया गया है मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो यहाँ पे आप लिख दें कितना है भाई, 8 ग्राम। अच्छा बताइए, मोलर मास फिक्स होता है हमेशा, ये याद रखिएगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 फिक्स होगा, क्या होता है भाई, 180 ग्राम। लेकिन आपको यहाँ मालूम करके दिखाना है, ये स्टेप्स में शामिल होगा, ठीक है ना। किस तरीके से करते हैं, आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। कार्बन कितना है आपके पास, 6 है। कार्बन की जो तादाद है वो है 6, और कार्बन के एक मोल का मास होता है 12 ग्राम, कितना होता है भाई, 12 ग्राम, ठीक है। बीच में प्लस लगाइए, हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 12 है, और हाइड्रोजन के एक मोल का मास होता है 1 ग्राम। फिर बीच में प्लस लगाइए, ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 6 है, और ऑक्सीजन के एक मोल का मास होता है 16 ग्राम, कितना होता है भाई, 16 ग्राम। तो 6 12 आपके पास आएगा 72 ग्राम, 12 1 आएगा आपके पास 12 ग्राम, 16 6 आपके पास क्या आएगा भाई, 96 ग्राम, कितना आएगा भाई, 96 ग्राम। इसको जमा करिए, क्या होता है भाई, इसको कहीं से भी जमा कर दें, तो 72 12 और 96 हमारे पास आता है 6 10 हासिल गए एक, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास 9 9 18, 180 आ रहा है, क्या आ रहा है, 180 ग्राम आ रहा है हमारे पास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो 180 ग्राम होता है, क्या होता है भाई, 180 ग्राम होता है। तो अब हमें देखिए, मैंने आपको बताया जब भी मॉलिक्यूल्स वगैरह आ जाएं तो अवोगैड्रो उठकर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अवोगैड्रो नंबर, क्या लिखना पड़ेगा, अवोगैड्रोस नंबर किससे शो करते हैं, Na से शॉर्ट में लिखते हैं, और इसकी वैल्यू है 6.02 × 10³। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, नंबर ऑफ़ मोल्स, जो मालूम करना है उसे आखिर में लिख दें। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे। तो आइए देखिए किस तरीके से, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला, तो लिखिए नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है किसके बराबर है भाई, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, किसी भी एटम मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, मास आपको क्या दिया गया है, 8 ग्राम दिया गया है, मोलर मास क्या होता है, 180 ग्राम, इसको आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा तो वो आपका क्या होगा, मोल होगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो को पॉज करते हैं, कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। तो कैलकुलेटर लेकर मैं आ गया हूँ, तो आइए इसको करते हैं। तो 8 / 180, तो हमारे पास जो मोल आ रहा है वो आ रहा है भाई 0.044 मोल, क्या आ रहा है, मोल आ रहा है, यानी जो मोल की तादाद है वो किसमें कितनी है, 0.0044 मोल मौजूद है, ठीक है। तो अब हम मोल मालूम कर चुके हैं, अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NOM, आपको पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड में जगह की कमी है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स शॉर्ट में लिखा है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है आपको, फॉर्मूला वही है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास,
और मैंने बताया था एक चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे? अवोगैड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करना है? अवोगैड्रो नंबर से। तो अवोगैड्रो नंबर लगाएं और आसानी से हल कर लें। तो आप इसमें देखें, आपको मास कितना दिया गया है, मास जो आपको दिया गया है वो 8 ग्राम दिया गया है। मोलर मास आपको कितना दिया गया है भाई? आपको 180 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया? 180 ग्राम। और अवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10³। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आएगा 0.044। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10³। तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करें 6.02 × 10³ से, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद आ रही है वो आ रही है 2.67 × 10²² मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बुक में तो इस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है, तो आइए बुक के तरीके से भी कर लेते हैं। इसको यहीं लिखा रहने देते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स को मिटा देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स को मिटा दें। तो बुक में जो आपके फॉर्मूला लिखा गया है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का, बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है। ज़रा देखिएगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा आपको क्या लिखा? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एन ए। ज़रा आप इस पर गौर करें कि मास अपॉन मोलर मास बराबर होता है किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स के। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बुक में आपके क्या किया गया है, इन दोनों को रिप्लेस करके क्या लिखा गया है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आगे बुक में रिप्लेस करके लिखा गया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, आपको क्या करना है? मालूम करना है। तो आप क्या कीजिए, मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए अवोगैड्रो नंबर से। तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए। तो जैसे दिल करे आप वैसे मालूम करें, लेकिन अगर MCQs आएगा तो आपको वहाँ थोड़ी सी वक्त बचाने के लिए बेहतर काम करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आपको बता सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने मोल कैलकुलेट किया था वहाँ आया था 0.044। तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 × 10³ से, तो आपके पास आ जाएगा 2.67 × 10²² मॉलिक्यूल्स। तो दोनों तरीके से आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सवाल मौजूद है वो उसी टॉपिक के नीचे आपको सवाल दिया गया है टेस्ट योर सेल्फ में। ये सवाल मौजूद है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। करना तो आपको ये कैलकुलेट चाहिए, तो मैं इसको इस शॉर्ट तरीके से आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो हमें मालूम करना है मोल्स कितने ग्राम है, 30 ग्राम है। कितने ग्राम है? 30 ग्राम है। मोल्स की तादाद को मालूम करना है किसके भाई? H3PO4 के। तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसके मालूम करने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पास। तो आपको मास दिया गया है, मास ऑफ H3PO4 आपको दिया गया है। कितना दिया गया? 30 ग्राम दिया गया है। तो हमें मोलर मास भी कैलकुलेट करना है, किसका? मोलर मास ऑफ H3PO4, मोलर मास ऑफ H3PO4। आइए मालूम करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 3 है, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1 ग्राम। बीच में लगाइए प्लस, फिर आ गया फॉस्फोरस, तो फास्फोरस का जो मास होता है वो आपके पास आई थिंक 30 ग्राम होता है। ठीक है, फास्फोरस है 1, और फास्फोरस का जो मोलर मास होता है वो होता है 30 ग्राम। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है भाई? 4 है, और 4 और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम। ठीक है, अगर फास्फोरस हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन इसका होता है 30 ही। ठीक है, तो 3 × 3 = 3 ग्राम, 30 × 30 = 30 ग्राम, और 16 × 4 आपके पास कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। इन तीनों नंबर को प्लस कर लीजिए, इसको 3 इस तरह प्लस कीजिए तो 67 हो जाएगा, और 67 में 30 जमा होगा तो आगे पर 97 ग्राम आ जाएगा। तो मेरा ख्याल कि मोलर मास ऑफ H3PO4 97 ग्राम हो सकता है, अगर मुझसे फास्फोरस में गलती ना हुई है। तो इस तरीके से मोलर मास भी आ गया, हमें क्या मालूम करना? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखिए, आसानी से सॉल्यूशन लिखिए, और यहाँ लिखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास में आपका क्या आ जाएगा? 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 97 ग्राम, इनको डिवाइड करिए, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं पूरा नहीं करवा रहा, ये आपको खुद करना है, टेस्ट योर सेल्फ में है, आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। और भी डिफरेंट डिफरेंट सवाल आप सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको मोल्स, अवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट, आयंस के तमाम सवाल आ जाए। ठीक है ना, तो इसे मिटा देते हैं। जो दूसरा सवाल है उसे पिक कर लेते हैं, जो हमारे पास आपकी किताब में दिया गया है, उससे भी समझाते हैं आपको। तो सवाल आपको दिया गया है अब है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ H2CO3। तो मैं सिर्फ यही सवाल करवाऊंगा, दूसरा सवाल भी हमारे पास मौजूद है लेकिन वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बुक की एक्सरसाइज में मौजूद है। तो आपको दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एंड मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, अच्छा मैं इस तरीके से थोड़ा लिखता हूँ, आप थोड़ी गुंजाइश निकाल लीजिएगा, 16 ग्राम ऑफ H2CO3। तो ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स बताएं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं 16 ग्राम में। तो आइए डेटा बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, डेटा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मास, क्या दिया गया है, मास ऑफ H2CO3 कितना दिया गया भाई, 16 ग्राम। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास किसका भाई, H2CO3 का। तो कितना होता है भाई, हाइड्रोजन की तादाद है 2 और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम, बीच में प्लस लगाइए। कार्बन कितना है भाई, 1 है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, प्लस लगाइए। ऑक्सीजन कितना है भाई, 3 है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम। अब सॉल्व करिए, 2 1 2 ग्राम, 1 12 12 ग्राम, 3 16 आगे बस क्या आ गया भाई, 48 ग्राम, कितना आ गया भाई, 48 ग्राम। जमा करिए 12 48 60, तो हमारे पास आ गया 62 ग्राम मोलर मास होता है H2CO3 का, यानी कि 1 मोल H2CO3 62 ग्राम होता है। 62 ग्राम में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है या फार्मूला यूनिट की तादाद होती है वो होती है 6.02 × 10³। ओके, तो वैसे ये तो ऐसे आयनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। खैर आगे चलते हैं, तो देखते हैं अब क्या करना है हमें, नंबर ऑफ, अच्छा मैंने बताया जब मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो एवोगैड्रो भाई भी आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, एवोगैड्रो भाई आ जाएंगे। तो एवोगैड्रो नंबर मालूम करना, आपको पता है क्या होता है, 6.02 × 10³। तो अब आइए लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, क्या मालूम करना है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए मालूम करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है आपके पास मास अपॉन मोलर मास। क्लियर, मास क्या है आपके पास, 16 ग्राम है, मोलर मास क्या है भाई, 62 ग्राम है, 16 / 62, इसको कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 16 / 62, तो मोल की तादाद आ रही है वो हमारे पास 0.258 मोल आ रहा है किसका भाई, H2CO3 का 16 ग्राम में। अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको इससे पहले बताया हमने क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक तो है मोल मल्टीप्लाई एन ए, या आप चाहें तो इस मोल को खोलकर मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना, मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मोलर मास के, तो आप उसे हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है भाई, यहाँ मोल्स कितने आए भाई, 0.258 आया है, 0.258 × 6.02 × 10³। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 0.258 × 6.02 × 10³ के, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद आ रही है 1.55 × 10³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, हल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयंस है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसका लिखेंगे फार्मूला यूनिट, क्या लिखेंगे भाई, तो इतने फार्मूला यूनिट मौजूद होंगे 1.55 × 10³ इसमें, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद है H2CO3 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।